नमस्कार, टारगेट विदालो के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत चीन सीमा पर तनाव बरकरार, दोनों देशों ने सीमा पर बढ़ाई सैन्य गतिविधियां। बलवीर सिंह सीनियर का 95 साल की उम्र में निधन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में हुआ था चयन। इथियोपिया के ग्रैंड रेनेसा बांध का मिस्र ने किया विरोध, 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन से है विकास की कई संभावनाएं। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हाल ही में चाइना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित पैंगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं को बढ़ा दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही इसी क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी। एक खबर के हवाले से पता चलता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर दोनों देश अपने सैनिकों की मजबूती बढ़ा रहे हैं। भारत और चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित गलवान घाटी में रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया है। आपको बता दें कि 2020 में ही चाइना ने तकरीबन 170 बार LAC का उल्लंघन किया है, जिसमें से 130 बार LAC का उल्लंघन केवल लद्दाख क्षेत्र में ही की गई है। गौरतलब है कि भारत और चीन की सीमा तकरीबन 3488 किलोमीटर है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र में स्थित लद्दाख इलाका और अक्साई चीन का इलाका काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि 80% LAC उल्लंघन के मामले इसी इलाके में देखे गए हैं। यहीं पर तकरीबन 130 किलोमीटर लंबी पैंगोंग त्सो झील स्थित है, जिसके एक तिहाई हिस्से पर भारत का कब्जा है। पूर्वी इलाके में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र दीचू, मदन कगार और नाकुला क्षेत्र संवेदनशील हैं, जबकि उत्तराखंड का बाराहोती इलाका भी इस नज़रिए से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अक्साई चीन के गलवान घाटी क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है। इस संदर्भ में 2017 में हुआ डोकलाम गतिरोध, 2017 में ही सियामेन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा की गई मुलाकात, अप्रैल 2018 में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान सीमा प्रबंधन की दिशा में विश्वास और आपसी समझ बनाने की दिशा में रणनीतिक मार्गदर्शन जारी करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2019 में 497 बार LAC उल्लंघन किया गया। ऐसे में भारत को एशियाई समूहों के साथ मिलकर कूटनीतिक सहयोग बढ़ाकर चीन की कायराना हरकतों का मुकाबला करना चाहिए। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का मोहाली के फोर्टिज अस्पताल में 25 मई सुबह 6:30 पर निधन हो गया। वे 95 साल के थे। फोर्टिज अस्पताल मोहाली के निदेशक अभिजीत सिंह के अनुसार सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें 8 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बलबीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो 3 बार लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महान खिलाड़ियों में शामिल किया गया था, जिसमें शामिल होने वाले वो देश के इकलौते खिलाड़ी थे। हेलसिंकी ओलंपिक में बलवीर सिंह सीनियर ने कुल 13 गोल किए थे। उन्होंने इसी ओलंपिक के सेमीफाइनल मैच में ब्रिटेन के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी, जबकि फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ 6 में से 5 गोल अकेले बलवीर सिंह सीनियर ने लगाए थे, जो अब तक फाइनल मुकाबले में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड है। बलबीर सिंह सीनियर को वर्ष 1957 में पद्मश्री से नवाजा गया। यह पहला मौका था जब किसी खिलाड़ी को यह सम्मान मिला था। वे साल 1975 में एकमात्र हॉकी विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के मैनेजर थे, जबकि टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह थे। अक्षय कुमार की अभिनय वाली वर्ष 2018 में आई हिंदी फिल्म गोल्ड में बलबीर सिंह के जीवन को उकेरा गया था। इसमें बलबीर सिंह के किरदार को सनी कौशल ने निभाया। आपको बता दें कि बलबीर सिंह सीनियर का जन्म 31 दिसंबर 1923 को पंजाब के हरिपुर खालसा में हुआ था। बलबीर सिंह दुनिया भर में गोल मशीन के नाम से मशहूर थे। उन्हें भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ियों में गिना जाता था।
मिस्र का वरदान कही जाने वाली नील नदी पर इथियोपिया एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है, जो मिस्र और इथियोपिया के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। दरअसल दुनिया की सबसे लंबी नील नदी व्हाइट नील और ब्लू नील नदी के मिलने से प्रकट होती है, जो अफ्रीका के इथियोपिया, युगांडा, सूडान और मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में विलीन हो जाती है। नील नदी जल विवाद इन अफ्रीकी देशों के बीच तकरीबन एक दशक से चल रहा है, और अब आइए इसके विवाद के कारणों को समझते हैं। व्हाइट नील नदी अफ्रीका के युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र आदि देशों से होकर प्रवाहित होती है, जबकि नील नदी की प्रमुख सहायिका ब्लू नील नदी पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया और सूडान से प्रवाहित होती है। जब 2011 में इथियोपिया ने ब्लू नील नदी पर ग्रैंड रेनेसा बांध के निर्माण का कार्य शुरू किया, तो मिस्र और सूडान ने इस निर्माण पर आपत्ति जताई थी। आपको बता दें कि जब यह बांध बनकर तैयार होगा तो यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध होगा, और इथियोपिया का मानना है कि इस नवनिर्मित बांध से तकरीबन 6000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। आज इथियोपिया की 65% आबादी विद्युत की कमी के संकट से जूझ रही है। इस बांध निर्माण से देश के विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ पड़ोसी देशों को विद्युत आपूर्ति करके राजस्व में वृद्धि की संभावना है। हालांकि अमेरिका इस विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका के लिए सामने आया है। आशा है कि अमेरिका के नेतृत्व में दोनों देश किसी सही निर्णय पर पहुँचेंगे। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने रीस्टार्ट नाम से एक योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के तहत तकरीबन 98,000 MSMEs को लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। 1100 करोड़ रुपए के लागत से शुरू की गई इस योजना की 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ी आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के साथ साथ अधिक से अधिक रोजगार पैदा करना है। प्रदेश सरकार के अनुमान के अनुसार ये MSMEs कुल 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा करेंगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार कुल 350 से अधिक उत्पाद को MSME से क्रय करेंगी, जिनका भुगतान राज्य सरकार द्वारा 45 दिन के भीतर किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कुल क्रय किए गए उत्पादों का 25% भाग सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से, 4% SC/ST उद्यमियों से और 3% भाग महिला उद्यमियों से किया जाएगा। भारत ने अपने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान की तैयारी शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत चुने हुए भारतीय वायुसेना के 4 फाइटर पायलट को रूस में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है। इस अभियान के तहत वर्ष 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, जिसके लिए कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है। इस मिशन को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसके तहत दिसंबर 2020 में और जून 2021 में 2 मानव रहित मिशन, जबकि दिसंबर 2022 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। मिशन गगनयान का उद्देश्य अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव यान भेजने के साथ साथ नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना है। केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को केनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे कर्जदारों को लिक्विडिटी सपोर्ट मिलने के साथ ही कर्जदार बकाया बिल और किराए का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। केनरा बैंक के इस योजना के तहत कर्जदार अपने कार्यशील पूंजी का 10% या 150 करोड़ रुपये तक लोन ले सकते हैं। केनरा बैंक के मुताबिक कृषि स्वयं सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के तहत 4,300 करोड़, जबकि MSMEs के लिए 60,000 करोड़ का लोन जारी कर दिया है। थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर वर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन यानी ETA और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन यानी ATA के नेतृत्व में किया गया।
थायराइड तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो गर्दन के निचले भाग में स्थित एंडोक्राइन ग्रंथि में होती है। एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक दसवां व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि प्राप्ति थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन नहीं कर पाती। नियमित रूप से फल, दूध, हरी सब्जी, अदरक, सफ़ेद प्याज और स्ट्रॉबेरी का प्रयोग करके इस रोग से बचाव किया जा सकता है। हाल ही में अमेरिका उच्च सदन सीनेट में चीनी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक रिपब्लिकन सीनेट जॉन कैनेडी और डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस वैन होलेन ने पेश किया। इस विधेयक के अनुसार कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनका स्वामित्व और नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। अब कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग वेबसाइट बोर्ड करेगा। इस विधेयक के परिणाम स्वरूप अलीबाबा ग्रुप्स होल्डिंग्स लिमिटेड और वाइतो इंक जैसी चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। विश्व इस्पात संघ ने बताया है कि भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन अप्रैल महीने में 65% से अधिक घटकर 31.3 लाख टन पर आ गया है, जिसकी प्रमुख वजह लॉकडाउन बताई गई। विश्व इस्पात संघ के रिपोर्ट के मुताबिक एक वर्ष पहले यानी अप्रैल 2019 में भारत में लगभग 90.2 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था। इससे पहले मार्च 2020 में कच्चे इस्पात का उत्पादन मार्च 2019 के 100.4 लाख टन की तुलना में 14% कम होकर 86.5 लाख टन पर आ गया। अप्रैल के महीने में विश्व स्तर पर इस्पात के उत्पादन में 13% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।